अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ चल रहा है सुबह सुबह का नाश्ता, और वालेकुम अस्सलाम। मैंने नाश्ता करते हुए आज सर पर दुपट्टा नहीं रखा हुआ है, भूल गई ना फिर दोबारा। वालेकुम अस्सलाम, आज मूरिया हानिया भी आई है। वालेकुम अस्सलाम। तो जी आज मूरिया हानिया, वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह का टाइम है, तकिए शकिए सब पड़ा। अभी घर की सफाई होनी है। और बिलाल साहब तो माशाल्लाह माशाल्लाह यार आज तो खेल रहा है ये मेरा बच्चा। आपको जैसा पता ही है कि दो दिन से ये बीमार था बहुत ही ज़्यादा, तो बस आज ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का शुक्र है बहुत बहुत। तो आज ये ठीक है, सब खिला भी है, और गोली आने के साथ तो वैसे भी ये बहुत खुश रहता है। तो बस आज हम कह लेंगे थोड़ा सा, आज जो व्लॉग मैं बनाऊंगी उसके साथ साथ उरी आनिया भी उसमें होंगी, ठीक है उरी आनिया? सही है, आज आप लोग भी मेरे साथ व्लॉग में होंगे, ठीक है? चलो जी ठीक है, जब तक हम करते हैं नाश्ता सब हमारे साथ रहेंगे, ठीक है? बच्चों ने तंग किया है ना, मैंने कपड़े धोए और उसके बाद जो है दूध लेकर आई हूँ, कपड़े पर डाल के आई हूँ, पूरा घर साफ सुथरा किया है, सब साफ सुथरा करने कराने के बाद अब इसको रोटी दी है। लेकिन ये बच्चा जो है रोटी खाने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा है। कल एक दम करवा दिया था, आज खैर से मैं इसको पी लिया, दूसरा दम करवाने जाऊँगी। आम तो नहीं देना चाहिए था कि आम गर्म है, लेकिन ये इतना भूखा है ना, मैं मजबूरी से मैंने इसको उठा के दे दिया कि कुछ तो इसके मुंह में जाए यार, ये तो कुछ भी नहीं खा रहा है। खैर ये देख रहे हैं आप कितना कमज़ोर हो गया ये। तो बस 5:30 होते हैं, मैं बस इसके कपड़े चेंज करके फिर निकलते हैं हम लोग। बड़े आम। अच्छा तो बस फिर जी बताओ नहीं है, बड़ा खट्टा। अच्छा बस फिर निकलते हैं, उसके बाद हम इसे लेके जाते हैं दम करवाने के लिए, सेकंड दम होगा जिसका दुआ करें आप सब मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बहुत ही ये बीमार रहने लगा है, समझ से बाहर है क्यों इसके साथ ऐसा है। ओह माय गॉड, ट्रैफिक देखिए किसके अंदर ब्लॉक हुआ है ये रोड का। मैंने सुना था कि इधर ये कोई बैठ गया है, ट्रेन जो है ये टूट गया, जिसकी वजह से आप ट्रैफिक देखिए कितना ब्लॉक है। और अभी हमने वापस इसी रास्ते से आना है, और हमें नहीं पता कि हमें कितना टाइम लगेगा। ट्रैफिक देखिए बहुत बहुत। सेकेंड डे है आज दम करवाने का, हम आ तो गए हिल पार्क में, रश भी है वो देखे सामने डॉग्स के पास लोग खड़े हुए हैं। और फिलहाल मैं जाती हूँ दम के लिए क्योंकि रश है और कुछ नहीं पता कि अंकल बैठे हुए होंगे कि नहीं होंगे। सॉरी बारिश हो रही है कि कुछ नहीं पता कि अंकल बैठे हुए होंगे कि नहीं बैठे होंगे, बारिश हो रही है। अच्छा, चलते हैं, आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। करवा लिया है दम और बच्चे आ चुके हैं झूले के पास, क्योंकि इन्होंने जब तक इंजॉय नहीं करना है तो इन्होंने घर भी नहीं जाना। तो मानो बीबी तो अपना मज़े कर रही है, और जोहान जो है ये रहा मेरे पास पानी पी रहा है, अंबलाज सुबहान आयान के पीछे पीछे जा रहा है, सुबहान अपना एंजॉय कर रहा है। सुबहान को देखें ज़रा, सुबहान तो बस अपनी मस्ती में मगन है ना, ये देखें सुबहान को आप, ये अपनी मस्ती में मगन है। मानो साहिबा जो है वो अपनी मस्ती में मगन है, और बलाज ने बिना झूले लिए घर नहीं जाना, ये देखें सुबहान साहब को। बस पार्क में ये है कि बच्चे थोड़े से एंजॉय कर लेते हैं और कुछ नहीं, पार्क में थोड़े न्यू न्यू झूले भी आए हुए हैं। यहाँ थोड़ा इसलिए अच्छा लगता है कि एक बहुत ज़्यादा खुला मैदान है, थोड़ी ऊंचाई है, पहाड़ की तरफ भी चले जाए तो बहुत मज़ा आता है। सुभान साहब कहाँ हो आप, आ जाओ शाबाश, ये देखिए जरा। चलो मानो बीबी तो न्यू झूले पर चली गई है, मानो आराम से बेटा। मिट्टी लगा दी इसको, कह रहा मुझे मिट्टी लगा दी। आ जाओ अयान को मिल गया एक न्यू झूला, और अयान चढ़ गया है दूसरे झूले के ऊपर, और ये ऊपर जा चुका है, अब इसे नीचे उतरना है। खूब एंजॉय कर रहा है भाई बिलाल साहब। हाँ जी गुड। बैठे रहो। इसको मिल गई है पार्क में एक बिल्ली, और ये इस बिल्ली के पीछे पड़ गया, ये देखिए भाई कौन है बलाज, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, भागो भागो। चली गई,
बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है यार, मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है। अच्छा यहाँ इतनी गहराई है, वो तो पीछे था डॉगी, अब जाना उसको बोलो चुप। चला चले सब वापस मैंने चारपाई पे उठा लिए और सोफा वहाँ कर दिया, बिस्तर बिछा लिए, झाड़ू पोछा करती हूँ रोजाना तो रात में सोने से पहले, तो रात का भी आप घर का हाल देख सकते हैं, बिल्कुल चांदी की तरह साफ सुथरा मेरा घर होता है रात में भी, क्योंकि मैं पूरा झाड़ू पोछा करती हूँ और इस कमरूम को भी मैंने पूरा भी साफ किया है, मुझे कारपेट देखने का रखा मैंने। खैर तो चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त, दम करवा के मैं आ चुकी थी और बच्चे जो हैं दिन में मदरसे गए थे, आज तो बारिश भी हुई और मैंने धोए थे कपड़े, और जो मेरा बुरा हाल हुआ है यार कि ऊपर नीचे मैं होती रही हूँ, फिर घर में मैंने पूरे कपड़े फुलाए और अभी जो है खैर सारे बेड पे कपड़े लगते हैं और उसका रूम में पूरे कपड़े लगते हैं। हाँ जी, और बलाश को मैंने भी नहलाया जिसे ठंड लग रही है और ये कह रहा है कि मुझे गोद में उठाने, इसी को मैंने दम कराया क्योंकि कुछ खाता पीता नहीं है। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे कल इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, नए दिन के आगाज़ के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जहाँ जहाँ से आप सब मुझे देख रहे हैं जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को वॉच कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाजमी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।